मौसम सरमा ने दस्तक दे दी, बादलों और सूरज की आंख मचोली। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, हवा 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आमदन से जायद असासों का मामला, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा के खिलाफ मुकदमात पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान मुकदमात पर समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर रखा है। चौधरी निसार का हल्फ न लाने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस शाहिद वहीद आज शहरी नदीम सरवर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, चौधरी निसार, दीगर को फरीक बनाया गया। पाक श्रीलंका T20 का दूसरा मार्का आज सजेगा। शाहीन कम बैक के लिए तैयार। दोनों टीमों की कजाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। खराब मौसम के बायस पिच को कवर से ढांप दिया गया। उमर अकबर को माजी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मौका दिया। उम्मीद है इनकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। हेड कोच कौमी टीम मिसबाह हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायकीन से स्टेडियम में आकर मैच देखने की अपील। श्रीलंका दूसरा T20 जीतने के लिए भी पुरअज़म। पहले मैच वाली परफॉर्मेंस दोहराने के लिए बेताब, पहले मैच की कारकर्दगी से मुतमईन है। सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे, श्रीलंकन ओपनर दानुष्का गुनाथिला का प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर जंग मसला कश्मीर का हल नहीं तो बताएं हल है क्या। अक्वामे मुत्तहिदा में तकरीरें करने से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। वजीर आजम ने कश्मीर के मसले के हल के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अवाम का वजीर आजम से एतमाद उठ चुका है। पूरा पाकिस्तान भारत से मुकाबले के लिए तैयार है। हुक्मरानों ने अमली इकदाम ना किए तो कौम माफ नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का माल रोड पर कश्मीर बचाओ मार्च से खिताब। हुक्मरानों को जगाने का वक्त आ गया। 16 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। डेंगू का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 25 नए केसेस सामने आ गए। शहर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 206 तक पहुँच गई। मुश्तबा मरीजों की तादाद 7500 हो गई। महकमा सेहत और जिले इंतजामिया की जानिब से सर्वेलेंस का अमल जारी। डेंगू लार्वा की बरामदगी पर मुकदमा दर्ज। DC लाहौर का मुगलपुरा के इलाकों का दौरा। शहरियों में डेंगू आगाही के हवाले से पैम्फलेट तकसीम। डेंगू सर्वेलेंस टीमों की हाजिरी भी चेक की। और एशियन चैंपियनशिप में भारत को हराने वाली अंडर-23 वॉलीबॉल टीम के एजाज में तकरीब। फंड्स की कमी के बायस मुश्किलात का सामना है। ओलंपिक्स में शिरकत करना चाहते हैं सदर वॉलीबॉल फेडरेशन, चौधरी याकूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशियन चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।